इतनी सेवा परवान करना। अगर कोई गलती हो गई हो तो संगत बख्शनहार है, बख्श देना। क्या है ना, कई बार कड़वी बातें करनी पड़ती हैं। जैसे मैंने श्राद्ध के लिए बोला, आरती के लिए कहा, जो गुरु नानक पातशाह कहते हैं मुझे वो कहना पड़ता है। पर किसी का अगर दिल दुखा हो, मैं मोमबत्ती जलाने के लिए भी मना करता हूँ 19 तारीख को। मेरी भावना सिर्फ इतनी है कि आप गुरु नानक से जुड़ जाओ, उनके उपदेश से जुड़ जाओ। किसी का नुकसान करने की मेरी कोई भावना नहीं। मैं गुरु साहिब जी की हजूरी में सच कह रहा हूँ, मैं कभी नहीं चाहता किसी का कोई नुकसान हो। क्योंकि कुछ दिन पहले ना कुछ पार्टी घर में आए थे, मेरी मम्मी से मिलकर गए और कह कर गए कि बहुत लोगों ने पाठ रखाने बंद कर दिए, क्योंकि मैंने साखी सुनाई थी। मेरा कहने का भाव पहले भी मैंने बताया था, ये था कि आप लोग बैठकर पाठ सुनो, आप लोग पाठ कैंसिल कराने शुरू कर दिए, तो पार्टियों की रोजी रोटी इस पे चलती है। और पाठ का महात्म भी बहुत ज़्यादा है। बाबा नंद सिंह जी के पास कोई भी आता था कोई भी तकलीफ लेकर, कहते थे अखंड पाठ साहब जी का पाठ पूरी मर्यादा से अगर हो जाए तो मुर्दे में भी जान पड़ जाती है, पर मर्यादा से हो जाए। अब मर्यादा से कराने के लिए आपको खुद तो साथ में बैठना ही चाहिए ना, या चौर सब कीजिए बैठकर, या सामने बैठकर सुनिए। परिवार का मेंबर बारी बारी से बैठकर सुन सकता है, पर आप लोग पाठ रखाना ही बंद कर दोगे ये तो मेरे सर पे पाप आ जाएगा। पाठ रखवाइए पर सिर्फ मर्यादा से।